और मेरे सुरवीरों कैसे हो। जैसा कि कल बहुत ज़्यादा आप लोगों में जिज्ञासा थी कि अगला टॉपिक क्या होगा और संडे को अगला टेस्ट क्या होगा, तो आज चलो वो मिस्ट्री जो है वो डिस्क्लोज कर देते हैं। वो है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, टेंस पढ़े होंगे, टाइम एंड टेंस कम ही लोगों ने पढ़ा होगा कि ये टेंस के साथ टाइम क्यों लगाया जाता है। जनरली आप लोग वो ट्रांसलेशन वाला सिस्टम पढ़े हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को इससे ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा। आज इससे रिलेटेड किस तरह के सिंटेक्स के क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व करने का तरीका आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आज टाइम एंड टेंस का केवल इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, तो जल्दी से सब लोग जो अभी नहीं आ पाए हैं वो सारे लोग आ जाएँ, सब ज्वाइन हो जाएँ। और कमेंट आप लोगों का मुश्किल है थोड़ा सा पढ़ना, क्योंकि क्लास जल्दी कम्प्लीट करनी है और क्लास पूरी अच्छे से समझिए ताकि टेस्ट में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो शुरू करते हैं टाइम एंड टेंस क्या होता है। देखो भाई, टाइम जो है, टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। दोनों ऐसे शब्द हैं जिनमें संबंध होते हुए भी अंतर हैं, है ना। ये दोनों संबंध तो हैं, टाइम और टेंस, ये दोनों में संबंध तो हैं लेकिन फिर भी इनमें कुछ अंतर है। जैसे क्या होता है, टाइम में क्या होता है, टाइम जो है वो ग्रामेटिकल टर्म नहीं है, यानी इसका ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है। और वहीं टेंस की बात करें तो ये ग्रामेटिकल टर्म है, ये हमें ग्रामर में पढ़ाया जाता है। उसके बाद ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और टाइम जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है और टेंस जो है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये दिमाग में आ रहा होगा कि ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट क्या होता है, बताते हैं अभी, सब्र रखो। चलो आगे देखते हैं, अगला टाइम क्या है, दिन महीने वर्ष इसमें और सबका बोध होता है, लेकिन टेंस में दिन महीने या वर्ष की जानकारी नहीं होती। क्या होता है टेंस में, सीधी सी चीज़ ये है कि हम वर्ब को चेंज करके हम वहाँ पर टेंस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है विश्वव्यापी धारणा। अब ये सोचोगे ये क्या चीज़ आ गई, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट तो समझ में नहीं आया, उसमें सर ने एक और इंग्लिश के साथ एक और हिंदी बता दी, विश्वव्यापी धारणा। तो ये चीज़ क्या है, विश्वव्यापी धारणा क्या होती है, यह होता है कि जैसे टाइम का जो यूज होता है वो सामान्य से अर्थ में होता है, है ना। टाइम का यूज जैसे दिन के लिए, महीने के लिए, वर्ष के लिए, जो सबके लिए कॉमन सी चीज़ है ना। देखिए टेंस का यूज क्या होता है कि टेंस का यूज विशेष अर्थ में वर्ब के फॉर्म को का जो निरूपण करने के लिए होता है, ठीक। तो टेंस का यूज जो होता है वो किसी भी चीज़ का, जैसे अगर हमें विशेष अर्थ बताना हो कि उसमें वर्ब जो आता है उस वर्ब के फॉर्म के निरूपण के लिए किया जाता है। अब ये सोचोगे कि भैया कैसे, चलो कुछ उदाहरण देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि ये क्या चीज़ थी। जैसे एक सेंटेंस है कि ये सेंटेंस लिखता हूँ, वीना गोज टू द पिक्चर, अरे द लाइन तिरछी जा रही है ना, वीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे, एवरी संडे, एक सेंटेंस ये हो गया। तीन सेंटेंस बताते हैं और उसके बाद फिर तीनों में आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। अगला है द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, और तीसरा सेंटेंस है ही हैड नो मनी यस्टरडे, ठीक। पूरी क्लास लीजिएगा, वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो, कहीं पर स्किप ना कीजिएगा, नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। चलो अब यहाँ हम देखते हैं क्या है कि वीना गोज टू द पिक्चर एवरी संडे। अब इस वाले में देखो ये क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया इसमें, लेकिन क्या है इससे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बोध होता है। अब यहाँ पर देखो जैसे ये कहा गया, ये सिंपल प्रेजेंट ही तो है, गोज लगा है, वैन यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है, यस,
तो ये चीज़ क्लियर होती है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है इसमें, लेकिन इससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का बोध होता है। क्योंकि वीना पास्ट में भी, इसका मतलब क्या है, वीना प्रत्येक रविवार को पिक्चर जाती है, तो इसका मतलब हो गया कि जाती है, पास्ट में भी जाती थी और फ्यूचर में भी वो हर रविवार को पिक्चर जाएगी। बात आ रही समझ में? तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो, ये जो भी चीज़ है यानी फ्यूचर में भी ये जाएगी और पास्ट में भी जाएगी। बात आ रही समझ में? तो यानी कोई भी चीज़ होता है, जैसे दूसरा सेंटेंस देखो, अच्छा, द प्लेन टेक्स ऑफ एट 5 PM टुमारो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि प्लेन जो है वो कल शाम 5 बजे प्रस्थान करेगा, है ना, के लिए टेक ऑफ करेगी कल शाम को 5 बजे। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे फ्यूचर का भी बोध होता है, कल की बात हो रही है तो इससे फ्यूचर का भी पता लगता है। अगला देखो, थर्ड वाला, ही हैड नो मनी यस्टरडे, यानी उसके पास, अब ये सेंटेंस देखो, उसके पास कल पैसा नहीं था, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, ले और इससे क्या होता है, इससे पास्ट टाइम का पता चलता है, इसे पास्ट टाइम का पता चलता है। यहाँ पर देखो, जो जो वर्ड यूज हुआ, संडे, टुमारो, यस्टरडे, ये सब क्या है, ये सब टाइम है। समझ में आ गई बात, ये सारी चीज़ें क्या है, ये टाइम है। और जो इनमें वर्ब्स का यूज किया गया, इनमें जो वर्ब का यूज किया गया, ये क्लियर करते हैं कि ये किस टेंस का है। बात आ गई समझ में? यानी जितने भी एग्जाम्पल है, यहाँ पर वर्ब से प्रेजेंट टेंस के रहने पर भी इसके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का बोध हो जाता है, और वर्ब के टेंस तथा इसके प्रयोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सावधानी से समझने की ज़रूरत है। वर्ब के जो टेंस होते हैं बहुत ज़्यादा सावधानी समझने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद एक चीज़ ये समझ में आती है कि भाई इसके टेंस का फिर मतलब क्या है। यानी अगर हम ये पूछा जाए कि टेंस की परिभाषा क्या होगी, तो अगर टेंस की परिभाषा बताऊं तो टेंस क्या होता है, तो टेंस होता है टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, ये होता है टेंस। अब कहो इसका क्या मतलब है, हिंदी में भी बताइए। तो ठीक भाई, जान लो क्या होता है कि कार्य के समय के मुताबिक जो वर्ब के रूप में परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। ठीक, जैसे इसमें गोज हुआ, इसमें टेक्स हुआ, लेकिन इसमें क्या हो गया, हैड हो गया। यानी कोई भी चीज़, आगे हम एग्जांपल दिखाएंगे आपको, फिर हम बात करेंगे कि किस तरह से ये टेंस चेंज होंगे, है ना, यानी टेंस में किस तरह से वर्ब चेंज होता है तो टेंस का यूज होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस देखो, सॉरी अगला रूल देखो क्या है, क्या अगला रूल ये गए, जैसे काइंड्स ऑफ टेंस। अब यहाँ पर काइंड्स ऑफ टेंस की अगर हम बात करें, तो ये आपको भी पता होगा कि टेंस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी जो बीत गया, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला समय है यानी भविष्यकाल। बात आ गई समझ में? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, तो देखो मैंने पहले से ही लिख के रखा ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। किसी कार्य के वर्तमान समय में होने या करने, हो रहा है, हो चुका है या हो गया है, तथा एक लंबे समय से होता रहा है का बोध हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब बात समझो, क्या बता दिया भाई इतने में, जैसे क्या है कि कोई भी कार्य वर्तमान समय में हो रहा हो, पहली चीज कोई काम वर्तमान समय में, उसके बाद उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, या तो लास्ट में हो रहा है आए, या हो चुका है आए, या हो गया है आए, या फिर कोई ऐसा काम हो जो, यानी इस सेंटेंस से यह पता लगता है कि कोई भी काम है जो लंबे समय से होता आ रहा है, है ना। तो अगर इस तरह से कुछ पता लगे तो उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी सीधी सी डेफिनेशन अगर कहनी हो तो एन एक्शन विच इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी कोई भी ऐसा कार्य जो प्रेजेंट में हो रहा है वो सारे के सारे क्या किस में आएंगे, प्रेजेंट टेंस में आएंगे। इतनी बात क्लियर हुई?
यानी जो जो भी काम हो वो प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट टेंस हो जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर हो गया आई रीड अ बुक, अब देखो आई रीड अ बुक तो यहाँ पर क्या हो गया, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, या फिर ये हो जाएगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब देखो पढ़ता हूँ तो क्या गया, पढ़ता हूँ का मतलब प्रेजेंट की बात ही तो हो रही है। दूसरा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब ये सोचेंगे क्या सर ये नहीं लिख सकते मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जरूरी नहीं है लगाना। ये जब मैं आर्टिकल आपको बताऊंगा ये आ का यूज किस लिए हो रहा है, ये जब आर्टिकल में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर अगला देखो आई हैव रेड अ बुक, इसका मतलब क्या हो गया, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ। उसके बाद अगला सेंटेंस देखो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर एन आवर, इसका मतलब मैं एक घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं एक घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अब ये सेंटेंस देखो भाई ये सारी की चीज़ें, तो यहाँ पर क्या हो गया आई रेड अ बुक, देखो रेड रीडिंग, हैव रेड, उसके बाद हैव बीन रीडिंग, ये सारी चीज़ें देखो ये सब एक ही टेंस के हैं, सारे के सारे किसके हैं प्रेजेंट के, और लास्ट में क्या आ रहा है ता हूँ, रहा हूँ, चुका हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें इस तरह से आती हैं तो ये प्रेजेंट टेंस होता है। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। आगे देखते हैं, आगे आते हैं पास्ट टेंस। मैंने पहले बताया आज का वीडियो केवल इंट्रोडक्शन होगा, क्लास आपकी कल से शुरू होगी, क्लास जो है यानी जो प्रेजेंट टेंस में पढ़ाऊंगा वो कल से शुरू करूंगा, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये वीडियो अगर आप नहीं पूरी देखेंगे तो आगे की चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होंगी, है ना। फिर पास्ट टेंस आते हैं, पास्ट टेंस क्या होता है आपको भी पता है, पास्ट टेंस का मतलब जो काम बीते हुए समय में हुआ। देखते हैं क्या लिखे हैं हम, किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, या हो रहा है, या हो चुका था, या हो गया था, तथा एक लंबे समय से होता रहा था का बोध हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी काम हो वो बीते समय में हुआ हो, और लास्ट में क्या क्या आ रहा, हो रहा था ये आए, या हो चुका था ये आए, या फिर हो गया था ये आए लास्ट में, है ना, या फिर कोई ऐसा काम हो जिससे ये पता चले कि वो लंबे समय से चल रहा था, इन सब चीज़ों का पता लगे तो वो होते हैं पास्ट टेंस। अब यहाँ पर देखो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या करें कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद मेरी समझ में ये चीज़ आया कि एन एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, यानी कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो, कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ हो वो पास्ट में हो रहा हुआ हो या पास्ट में हो रहा था तो वो क्या हो जाएंगे पास्ट टेंस में आएंगे वो सेंटेंस। अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि एग्जाम्पल दिया गया है कि आई रोट अ लेटर, तो मीनिंग क्या हो जाएगी कि मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखता था, ठीक, मैं पत्र लिखता था या मैंने पत्र लिखा। फिर आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था। फिर आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था, ठीक, या फिर मैंने पत्र लिखा था, यह भी हो सकता है। उसके बाद आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, तो इसका मतलब मैं दो घंटे से पत्र लिख रहा था। क्लियर है बात, इतनी चीजें, इतने में कुछ दिक्कत हो तो बताइए। सही है, समझ आ गया ना, यानी कोई भी ऐसा काम जो पास्ट कर रहा हो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट टेंस में हो जाएगा। फिर फ्यूचर टेंस देखते हैं, फ्यूचर टेंस में क्या चीज़ें हैं, फ्यूचर टेंस का मतलब जो काम भविष्य में होगा भाई वो फ्यूचर होगा। जैसे किसी कार्य को के आने वाले समय
में होने या करने, हो रहा होगा या होता रहेगा, हो चुका होगा या हो गया होगा, और तथा एक निश्चित समय से होता रहा होगा का बोध हो तो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्या क्या चीज़ें आई, यानी कोई भी ऐसा काम जो भविष्य में होने वाला है, है ना। वैसे भविष्य तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी हम लोग बोलते हैं कल मैं लखनऊ जाऊंगा, वह गांव आएगा, इस तरह से चीज़ें बोलते हैं, लेकिन भविष्य का किसी को पता नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमें भविष्य के बारे में बताना हो, भविष्य के काम को बताना हो, तो यहाँ पर पहचान क्या हो रहा होगा, है ना, या होता रहेगा, या लास्ट में क्या क्या आना चाहिए, हो चुका होगा या हो गया होगा, इस तरह से, या कोई ऐसा काम जो निश्चित समय से होता आ रहा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो वो ऐसे टेंस होंगे, उस टेंस को फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब इसमें सेंटेंस देख लेते हैं, इनका एग्जांपल्स क्या होगा। जैसे आई शैल राइट अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर, तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं पत्र लिखूंगा, ये नहीं मैं एक पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, ठीक, मैं पत्र लिखूंगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तो इसका मतलब मैं पत्र लिखता रहूंगा, मैं पत्र लिखता रहूंगा। उसके बाद आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो मैं पत्र लिख चुकूंगा, मैं पत्र लिख चुकूंगा, ठीक है। फिर आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, मैं पत्र लिखता आ रहा हूंगा, ठीक। तो ये हो गया। एक चीज देखो इस सेंटेंस में, हम लोगों को सबसे पहली चीज कि हमको इस सेंटेंस में ये पहचान लेना है कि कौन सा, अब ये सारी चीजें ये समझ में आ गई देखने के बाद कि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर टेंस के सबके चार चार प्रकार के, भाई सबके चार चार तरह के ही, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में सबके चार चार तरह के ही सेंटेंस बने। तो इसका ये मतलब हुआ कि सभी के चार चार टेंस होंगे, सभी के चार चार प्रकार होंगे, सभी टेंस के चार चार प्रकार होंगे। आते हैं फिर से इस पे। अब जैसे यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट में कहना हो तो ये पहला वाला जो होगा आई रीड अ बुक, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस, PIT लिख दिया मैंने, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। उसके बाद आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक। आई हैव रीड अ बुक, तो इसका मतलब हो जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर NR, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। भाई देखो इसमें परफेक्ट का भी वर्ड और कॉन्टिन्यूअस का भी वर्ड आया, तो यानी चार कौन कौन से प्रकार हो गए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतने में कोई दिक्कत है, इसी तरह से पास्ट का हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा कमेंट करते रहिए, यह हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर आई हैड रिटन लेटर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है चीज़ें इतनी। उसी तरह से फ्यूचर में होगा भाई, ये हो जाए आई शैल राइट अ लेटर, ये हो गया प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई शैल राइट अ लेटर तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर तो ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर आई शैल हैव रिटन अ लेटर तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर आई शैल हैव बीन राइटिंग अ लेटर तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये तो रहा इंट्रोडक्शन वीडियो। अब इसके आगे का जो वीडियो होगा वो कल से शुरू होगा, क्योंकि अगर अभी शुरू कर देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो उतनी देर आप लोग टिकते भी नहीं और आप लोगों को रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे हैं, कुछ 8-10 लोगों को छोड़ के बाकी लोग ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो ना तो कमेंट कर रहे हो। तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी मेरा मोटिवेशन कीजिए, क्योंकि आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है,
तो अगर आप लोग आ गए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और लाइव क्लास जो होगा, जब ये पूरे हफ्ते हम लोग पढ़ लेंगे, तो हफ्ते में हर सैटरडे मतलब संडे को सुबह मैं आप लोगों को मॉर्निंग में लाइव तो मिलूंगा ही, मॉर्निंग में मैं आप लोगों को 10 बजे लाइव मिलूंगा बात करने के लिए आपसे। लेकिन जब शाम को 4 बजे क्या है, इवनिंग 4, ठीक, अब 4 बजे कब मिलूंगा, शाम को 4 बजे यहाँ पर होगा आपका लाइव टेस्ट। इस संडे को हुआ था, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था वो जान रहे हैं कि कितनी मज़ा आती है उस टेस्ट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, क्योंकि भैया मज़ा बहुत आती है और मज़े के साथ साथ चीज़ें भी समझ में आती हैं, है ना। तो सब लोग, जितने लोग भी हो, प्रत्युष, अदिति, अर्जुन, है ना, प्राची, जितने भी लोग हो, सब लोग का काम ये है कि सब लोग टेस्ट में हमेशा आइएगा। और जो 4 बजे का टेस्ट होगा, और वीडियो जो आप लोग शेयर करते हैं वो अपने ही ग्रुप में ना शेयर कीजिए, वो अदर अपने जो ग्रुप में हैं, जितने लोग आप लोगों के इससे, जितने भी लोग यहाँ लिंक से जुड़े हैं, वीडियो के लिंक से, वो लोग तो उनके पास नोटिफिकेशन चली जाती है। वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास, अपने स्कूलमेट्स के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ठीक है। तो देखते हैं आज वीडियो पर कितना लाइक आता है, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, तो कल की वीडियो, फिर कल से फिर बड़ी वीडियो आप लोगों की रेगुलर क्लास जैसे चलती थी उस तरह से रेगुलर क्लास चलेगी। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो कल मिलेंगे। लेकिन कल की क्लास मिस ना कीजिएगा, क्योंकि कल से शुरू हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो कल से शुरू होगा। वहाँ पर आपको ट्रांसलेशन नहीं सीखना है, ट्रांसलेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हमको सीखना है सिंटैक्स, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने अब तक नहीं पढ़ी होंगी वो आप इस सीरीज में पढ़ेंगे, हाँ। तो ठीक है, चलो फिर, चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो भी लाइक कर दिया होगा। चलो फिर मिलते हैं कल 9 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।